वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल सफलता सीरीज में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी से और पॉपुलेशन से भी। तो पहला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम? आरसी दत्त, अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी, नन ऑफ द अबव। देखिए, जो भी पर्सनालिटीज हैं इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, हमारा आंसर है दादा भाई नौरोजी। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, इकोनॉमिक क्रिटिक भी रहे हैं ये। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो भी दी थी अपनी किताब में, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने नेशनल इनकम एस्टिमेट किया था जो उस वक्त 20 रुपए था, पर कैपिटा इनकम 20 रुपए थी, और इन्होंने ये 1867-68 में जो है एस्टिमेट किया था। आरसी दत्त ये भी इकोनॉमिक क्रिटिक रहे। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, उषा मेहता, मैडम भिकाजी कामा। सभी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। हमारा आंसर होगा एनी बेसेंट। इन्होंने होम रूल लीग जो है तिलक जी के साथ मिलकर शुरुआत भी किया था 1916 में। काफी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। देखिए यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी बेसेंट जो है ये 1917 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। सरोजनी नायडू इन्होंने 1925 में अध्यक्षता जो है उस पे बैठी थी। फर्स्ट फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट एन इंडियन फीमेल। अगर आता है क्वेश्चन कि फर्स्ट इंडियन वीमेन हु प्रेसाइडेड ओवर दिस सेशन ऑफ द कांग्रेस, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इंडियन वीमेन और फर्स्ट फीमेल दोनों में डिफरेंस समझिए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू व्हाट? किन किन चीजों को जब हम लेंडिंग देते हैं, जो बैंक्स है जब लेंड करता है किन किन चीजों पे, तो उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरी में डाला जाता है। अब देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है क्या ये भी पता होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे। ऑप्शंस है एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि नाम बता रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, की प्रायर बेसिस पे इनको जो है लेंड किया जाए मनी। आरबीआई जो है बैंक्स को ये अधिकार देती है कि आप इनको मनी जो है वो क्रेडिट करें। देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनको उतनी आसानी से नहीं मिल पाती हेल्प, तो यहाँ पर यही काम है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो है काफी कैटेगरीज आती हैं जिनके अंदर ये सभी भी हैं, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शन, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी भी उसके अंदर आता है, हाउसिंग लोन, एग्रीकल्चर लोन हो गया हमारा, एंड एजुकेशन लोन हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब कैटेगरीज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं, तो ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन से ग्रुप ऑफ आइटम हैं जो इंक्लूड होते हैं इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है जो आरबीआई होल्ड करके रखती है, ठीक है? तो अब देखते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट एसडीआर, लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन करेंसी एसेट गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड एसडीआर, फॉरेन करेंसी एसेट लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड एसडीआर, फॉरेन करेंसी एसेट गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कैटेगरी में हमारा ये आता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ इंडिया एंड एसडीआरस। तो देखिए समझिए डिफरेंस क्या है, क्या हम फॉरेन एक्सचेंज की कैटेगरी में लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज को डाल सकते हैं? नहीं डालेंगे। वैसे ही वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया हुआ है क्या उसे डालेंगे? नो। तो इसीलिए ये ऑप्शन रूल आउट होते हैं। और ये जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए, उसकी वैल्यू बनाने के लिए इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर अभी मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा फॉरेक्स किसके पास है, तो आप क्या बताएंगे? इसका आंसर मुझे बताइए। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इनफैक्ट यहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाले हैं। और वैसे ही आरबीआई जो है ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में एस्टैब्लिश हुई थी। और आई किसके थ्रू थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके थ्रू ये आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट शुड इंडिया डू? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है
कि कौन लोग होते हैं युवा पीढ़ी और जो काम कर रहे हैं लोग वो इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एज ग्रुप जो है वो क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, उसके अनुसार ना अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि आंसर हमारा क्या है। प्रमोटिंग सेटलमेंट, क्या ये प्रमोट करने से इस पे असर पड़ेगा? इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, क्या इसकी वजह से पड़ेगा असर? रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। क्यों? अगर समझें तो अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उनकी जो स्किल अगर डेवलप करें तो वो और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, पूरी तरह से हम उनका बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय स्टार्टेड द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, किसने स्टार्ट किया था? देखिए, फादर ऑफ सिविल सर्विस कौन है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर आंसर पे जाएंगे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, हमारा आंसर है लॉर्ड लिटन, लेकिन फादर ऑफ सिविल सर्विस है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, अब देखिए इन्होंने सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये जानना जरूरी है। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, तो 1878 में इन्होंने जो सिविल सर्विस एज थी उसको रिड्यूस करके 19 ईयर्स की कर दी थी, ठीक है, और इन्होंने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस भी स्टार्ट किया था। ओके, अब यहाँ पे सिविल सर्विसेज जो है पहले उसकी एज 21 होती थी जिसको रिड्यूस करके इन्होंने 19 किया था, ठीक है, तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए वेलेस्ली ने क्या किया था, लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं सिविल सर्विसेज से, तो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसकी स्थापना की थी, और क्यों किया था, ताकि न्यू रिक्रूट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके उस कॉलेज में, तो ये 1800 में हुआ था फोर्ट विलियम का एस्टेब्लिशमेंट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ कैंपा फंड से रिलेटेड, तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट है, क्या कैंपा फंड एस्टेब्लिश किया गया था 2002 में और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है क्या ये कॉन्स्टिट्यूट करती है कैंपा को टू ओवरसी एंड मैनेज कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, हमारा आंसर होगा ओनली टू, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि अब कैंपा फंड जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 2002 में नहीं हुआ था, 2004 में हुआ था। अब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म में ही इसका ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, कॉम्पेंसेटरी, कॉम्पेंसेट करना, एफॉरेस्टेशन फंड, एफॉरेस्टेशन फंड है ये कॉम्पेंसेट करता है जो भी फॉरेस्टेड एरिया है जो नॉन फॉरेस्टेड चीजों के लिए डाइवर्ट किया जाता है, जैसे डेवलपमेंट हो गया या फिर कहीं पे कोई अर्बनाइजेशन लेकर आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करके नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए किया जाता है ताकि उसमें कुछ और काम हो सके। अब उसके लिए ही कैंपा को बनाया गया है ताकि यहाँ पे एफॉरेस्टेशन का कार्य हो सके, लॉस हो रहा है लेकिन हम उसको फुलफिल भी कर रहे हैं, वापस से उसे सेव भी कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होता है ओनली टू। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों बना है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है कैंपा फंड्स को, तो कैंपा फंड जो है वो हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक एंड करेंसी, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, मतलब सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, फिर उसके नीचे, फिर नीचे, लाइक ऐसे, आंसर क्या होगा हमारा, 4, 1, 3, 2। क्यों, अब इसके पीछे का रीजन जानेंगे, तो करेंसी जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है क्योंकि आप उसे जब चाहें जैसे चाहें यूज कर सकते हैं, आपके पास पैसा है आप उसे कभी भी यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा सबसे ज्यादा लिक्विड है। अब आता है हमारा सेकंड नंबर पे डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, जब भी आपको डिमांड हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसीलिए ये सेकंड मोस्ट लिक्विड है। थर्ड क्या है, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कितने विड्रॉल कर रहे हैं, किस सीमा में कर रहे हैं, तो इसीलिए ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और सबसे ज्यादा जो कम लिक्विड होता है वो होता है टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, यहाँ पे तो पूरा एक टेन्योर होता है जिससे पहले आप इसे यूज ही नहीं कर सकते हैं, ये आपको मिल ही नहीं सकता, जैसे हम फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, राइट, तो पूरा एक पीरियड होता है उससे पहले आप इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए ये सबसे लास्ट में आएगा और सबसे पहले करेंसी आ जाएगी, ठीक है, तो 4 और 1 अगर हम ये देखें तो हमारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा कि डी ऑप्शन हमारा आंसर है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है, क्या ये गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम है
और यहाँ पे टैक्स डिडक्शन जो है क्या ये अप टू 1.5 लाख पर ईयर मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स? हमारा आंसर क्या होगा? बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये रेगुलेट करती है कमर्शियल बैंक्स को इन मैटर्स ऑफ व्हाट? लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ब्रांच एक्सपेंशन, मर्जर ऑफ बैंक्स, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स. तो क्या आंसर होगा हमारा? आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि देखिए रिजर्व बैंक क्या है, अगर आपने आरबीआई के बारे में पढ़ा होगा तो इट इज बैंकर्स बैंक. ठीक है, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका भी ये बैंक है. तो जो भी काम होता है मर्जर का हो गया, एक्सपेंशन का हो गया, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंशन या फिर लिक्विडिटी एसेट्स से रिलेटेड, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, तो ये सभी जो गाइडलाइंस होती है आरबीआई के तहत ही बैंक्स फॉलो करती है, वही इनको ऑर्डर देती है. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नव विधान ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था? सबसे पहले ये समझ लेते हैं. बासु कुमार मित्र, राम मोहन रॉय, आनंद मोहन बोस, केशव चंद्र सेन, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं. इन सभी ने कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है. तो केशव चंद्र सेन जी जो हैं ये एक रिफॉर्मर थे, फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं ये, और इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं. और यहाँ पे ब्रह्म समाज इन्होंने ज्वाइन किया था 1857 में, और 1880 में इन्होंने नव विधान ब्रह्म समाज जो है इसे फॉर्म किया था. ये सब पता होना चाहिए. आनंद मोहन बोस हैं, इन्होंने भी ऐसे ग्रुप्स फॉर्म किए थे. राम मोहन रॉय जो हैं वो तो ब्रह्म समाज से ही रिलेटेड हैं. 1828 में ब्रह्म समाज का फॉर्मेशन इन्होंने किया था. खासी रिबेलियन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था किसके अंडर, और इन सभी ट्राइब्स ने पार्टिसिपेट किया था? खासी, गारोस, खमतीज, सिंह पोस. तो आंसर क्या होगा हमारा? तीरथ सिंह. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थे ये. अब देखिए बाकी जो पर्सनालिटीज हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी ट्राइबल रिवोल्ट से रिलेटेड हैं. जैसे बिरसा मुंडा हो गया, मुंडा रिबेलियन. सिद्धू एंड कान्हू जो है ये संथल रिबेलियन से रिलेटेड हैं. तो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनके एक्सपेंशन के खिलाफ. देखिए ट्राइबल लोग होते हैं ना वो काफी रिजर्व्ड होते हैं, उनका अपना एक कल्चर होता है, उनका अपना एक सोशल ऑर्डर होता है. तो अब जो बाहर से लोग आते थे वो इम्पोज करते थे. ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करती थी? कन्वर्ट करने का काम करती थी, तो इसीलिए रिबेल किया इन्होंने. ठीक है, फोंड सावंत जो है ये मराठा रूलर थे, तो ये ट्राइबल पीपल नहीं है. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? आईएमएफ है क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और वर्ल्ड बैंक? कौन सा आंसर होगा हमारा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. आईएमएफ रिलीज करता है इसे, वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमिक फोरम क्या करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स निकालता है, राइट? तो ये सभी चीजें पता होना चाहिए. Which among the following is not a G20 member? अब देखिए G20 में तो पूरे के पूरे 20 members हैं. उनको याद रखना क्या आसान है? बिल्कुल भी नहीं. लेकिन एक खासियत है, वहाँ पे सिर्फ एक ही guest country है. वो कौन सी है? तो आपको यहीं पे answer मिल जाएगा आपको. तो India, China, Germany, Spain कौन से यहाँ पे member नहीं है? हमारा answer होता है Spain. G20 की membership अभी India के पास है, जिसका logo ये है, वसुधैव कुटुंबकम, One Earth, One Family, One Future. हम हमेशा से सबको एक ही मानते आए हैं, तो इसी बिलीफ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी. अब देखिए स्पेन जो है ये एक गेस्ट कंट्री है. ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर निकल जाता है. अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में.